हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारणों जैसे प्याज में गंध, हल्दी पीला होने, दूध सफ़ेद होने, करेले में करवाहट इत्यादि के कारणों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट है, प्याज का लाल होने का क्या कारण है? तो एंथोसाइन की उपस्थिति। नेक्स्ट, लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो एलाइसिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, मूली में तीखापन होने का कारण क्या है? तो आइसोसाइनेट की उपस्थिति। नेक्स्ट, मिर्च में चरपराहट होने का कारण क्या है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति। नेक्स्ट, खीरे में करवाहट होने का कारण कुकरबिटेसिन की उपस्थिति है। नेक्स्ट, करेले में करवाहट किस कारण होता है? तो मेमोडिकोसाइट के कारण। नेक्स्ट, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, नारंगी में रंग किसके कारण पाया जाता है? तो कैरोटी की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, मिर्च का लाल रंग होने का कारण क्या है? तो कैप्सेंथिन की उपस्थिति। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग होने का कारण क्या है? लाइकोपीन की उपस्थिति। नेक्स्ट, आलू में कंदों का हरापन होने का कारण क्या है? तो सोलिनिन की उपस्थिति। नेक्स्ट, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? तो टैनिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, प्याज में गंध किसके कारण होता है? तो एलाइल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण।